श्री राम समर्थ, सितंबर 9। भगवान का विस्मरण ही बड़ा पाप है। सचमुच भगवान का अस्तित्व हम जहाँ देखे वहाँ है। भगवान है या नहीं, यह जानने के लिए ही बुद्धि की देन हमें मिली है। भगवान का मर्म जानने के लिए हम यह देखे कि हमें कैसे बरतना है। जिन्होंने भगवान को जाना वे यह कह गए हैं कि भगवान को क्या प्रिय है। उनके कहने का यह सार है कि सारी विषय वासनाएं छोड़कर भगवान की शरण में जाओ। यह आप्तवाक्य अर्थात विद्वानों तज्ञों का कथन हमें प्रमाण मानना चाहिए, क्योंकि स्वयं अनुभव करके यानी स्वयं मुक्त होकर उन्होंने हमें मुक्ति का मार्ग दिखाया है। जन्म मरण से जो हमें मुक्त करता है वह सच्चा मर्मज्ञ अर्थात आप्त, जो भगवान के होकर रहते हैं उन्हें संसार का भय नहीं लगता। हम हमेशा विषयों की शरण जाते हैं या नहीं, फिर भगवान की शरण जाने में क्यों डरे। सचमुच सारे चमत्कार किए जा सकते हैं लेकिन भगवान की शरण जाना बहुत कठिन है। नामस्मरण करने लगते हैं तो विषय हाथ धोकर पीछे पड़ते हैं, यानी हम सोचे कि हम भीतर बाहर विषयों से कितने लिप्त हैं। फिर भी चाहे जो हो हम दृढ़ निश्चय से नामस्मरण जारी रखे। गृहस्थी करते हुए क्या बुरे विचार मन में नहीं आते, तो परमार्थ साधन करते हुए बुरे विचार मन में आते हैं तो डरने की क्या बात है। प्रह्लाद ने एक बार नाम लिया तो फिर अंत तक छोड़ा नहीं, उस नाम से ही वह तर गया, उस भावना से ही उसका उद्धार हुआ। अतः यह भावना बढ़ाने के लिए हम नाम का अखंड स्मरण जारी रखें, पीछे जो पाप किए गए उसका दुख न करें। अपना पूर्व संस्कार क्या हम अपनी बुद्धि से ही तय नहीं करते, खुद का मन ही खुद के लिए पछताता है। इसके लिए क्या किया जाए, कल जो किया गया उसे आज नहीं सुधारा जा सकता, लेकिन वर्तमान क्षण मात्र व्यर्थ मत गवाओ, कभी भी निराश मत हो। प्रत्येक साधन अपने अपने हिसाब से श्रेष्ठ ही है। साधन का काम पतिव्रता के समान मानो। यह पक्का याद रखो कि भगवान का दास हो जाना सब साधनों का और धर्मों का मूल है। गृहस्थी सफल और पूर्ण होने के लिए हम मरते दम तक काम करते हैं, तो फिर भगवान के होने के लिए, भगवान प्राप्ति करने के लिए थोड़े परिश्रम क्यों ना करें। वास्तव में भगवान को भूलना सबसे बड़ा पाप है। भगवान चाहिए ऐसा लगना यह भगवान की बुद्धि है, और विषय चाहिए ऐसा लगना देह की बुद्धि है। वासना यानी हमारी वह इच्छा जो भगवान के विरुद्ध है। यह वासना यानी विषयों के प्रति हमारी चाहिए नहीं चाहिए की भावना जो जो कम होती जाएगी त्यों त्यों हमारी बुद्धि नाम में स्थिर होती जाएगी। इस तरह तुम हो मैं नहीं हूँ यह स्थिति जब नामस्मरण के योग से हमारी हो जाएगी, तभी हमने परमेश्वर को प्राप्त कर लिया या हम परमेश्वर के हो गए, ऐसा सार्थकता के साथ कहा जा सकेगा। निधिध्यासन अर्थात अखंड परमार्थ चिंतन से साक्षात्कार होना ही मोक्ष है। आज का मुख्य विचार, एक बार भगवान की ओर दृष्टि लग गई तो अन्य सभी बातों का त्याग अपने आप होता है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।